चलो आप पढ़ा, बाद में लिखना, ये सब आधा घंटा लिखने में लिखाते हैं। निश्चित आपको क्या वो कहिए, आपको डेसिमल और फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ा रहे हैं, तो फ्रैक्शन के बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिए, उसके बाद वो फ्रैक्शन का क्या बताया, नंबर लाइन पे पढ़ा है, फिर फ्रैक्शन का टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो फ्रैक्शन का पहला पढ़ा है बहुत सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, दूसरा अल्लाह करोगे रिमूव कर देंगे, तीसरा आपको क्या पढ़ा है वो इम्प्रोपर फ्रैक्शन है ना। इम्प्रोपर फ्रैक्शन को कहते हैं सर, अगर न्यूमरेटर क्या रहेगा वो बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, तो वैसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रोपर फ्रैक्शन। ठीक, अब इम्प्रोपर फ्रैक्शन को बाबू क्या करना है, वो कन्वर्ट करना है किसमें सर, प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू मिक्स फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट करोगे, यही आपको समझना है, ये सारे बच्चे को आता है नहीं तो सीखो। 5/2 मेरा क्या दिया हुआ, एक मेरा क्या दिया हुआ, 5/2 मेरा क्या दिया हुआ, इम्प्रोपर फ्रैक्शन है, 5/2 मेरा इम्प्रोपर फ्रैक्शन है, क्या बाबू इम्प्रोपर फ्रैक्शन है ना, इम्प्रोपर फ्रैक्शन है। ठीक, अब उसको हम लोग करेंगे कन्वर्ट करेंगे, उसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे है ना, कन्वर्ट करेंगे, उसका सोत का आएगा जी शैतान, उसको हम लोग क्या करेंगे वो इम्प्रोपर फ्रैक्शन को क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे है ना, कन्वर्ट करेंगे। ठीक, देखो कैसे करना, तो 5/2 है, इसको कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन में, तो कैसे करोगे, सिंपल सा बाबू, जो यहाँ डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करो, 2 को डिवाइड करो 5 से। ठीक, तो डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 होगा, 1 होगा, तो जो बाबू कोशेंट आएगा, जो आपको कोशेंट आएगा उसको यहाँ पे लिखना, अरे बाबू इम्प्रो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में 3 पार्ट होता है, क्या होता है 3 पार्ट होता है, तो जो कोशेंट आएगा उसको इस पोजिशन पे लिखना है, रिमाइंडर को यहाँ लिखना, और जिससे डिवाइड करो 2 से डिवाइड करो ना, तो यहाँ लिखना, डिवाइड को कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है ना, यहाँ लिखना है। ठीक ठीक तो यही आपका क्या हो गया, ये हो गया इम्प्रोपर फ्रैक्शन, ये जो कन्वर्ट करने के बाद बना क्या बन गया, मिक्स फ्रैक्शन बन गया है ना, मिक्स फ्रैक्शन बन गया ना। नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया अगला एग्जाम्पल करवाते हैं ना, अगला एग्जाम्पल करवाते हैं, जैसे वो क्या है 13/2 है, तो 13/2 है भोला, 13/2 है, इसको कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 है 2 है, 13 से डिवाइड करेंगे, 2 को क्या करोगे डिवाइड करोगे 13 से, 6 टाइम में कितना 12 डिवीजन आता है, 1 आ गया। ठीक, तो आपको 6 है कोशेंट है, तो कोशेंट को यहाँ पे लिखना है मिक्स होल, ये आपको जो बाबू ये मिक्स फ्रैक्शन है उसका इस पोजिशन पे कोशेंट लिखना, रिमाइंडर को ऊपर लिखना न्यूमरेटर में, और जो डिवाइजर है उसको यहाँ लिखना, तो 6/1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/1/2। नेक्स्ट, जिसको नहीं समझ में अगला क्वेश्चन समझो, जैसे 67/5 है ना, तो 5 को डिवाइड करेंगे कितना से, 67 से है ना, तो 67 से डिवाइड करेंगे वो, तो 5 1 टाइम में 5 होगा, 1 होगा, 7 होगा, फिर 5 3 जा कितना होगा 15 होगा, रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया है ना, तो जो कोशेंट आया उसको इस पोजीशन पे लिखना है, कोशेंट हमेशा यहाँ, रिमाइंडर ऊपर लिखाएगा और नीचे जो डिविजर है वो लिखाएगा, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बाबू, आपको जो है तो हम लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, आपकी आवाज बीच बीच में रुक जाती है। हाँ सर, आपकी आवाज कट रही है सर, विक्रम का सर। करता है बाबू, इसे बाउंड करता है, इसके लिए दिक्कत होता है, म्यूट करो जी। नेक्स्ट बाबू, बाकी सब हो जाएगा, बाकी सब इसी तरह से करना, बाकी सब इसी तरह से कीजिएगा है ना, नहीं बनेगा तो फिर आप ये करना है ना, नहीं बनेगा तो क्वेश्चन मार्क लगा देना, बाकी सब करना, कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड करना है लिखना है, डिवाइड करना है लिखना है ना, डिवाइड करना है लिखना है, बाकी सबको करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट, अर्नब नहीं है जी, अर्नब डन सर। अर्नब नहीं बाबू, अर्नब बाबू, अरब सर साइड में डिवीजन है, उसे भी लिखना मैं है। DIY भेज दूँ सर, जो अभी दिया है सर, हाँ डिवीजन है लिख लीजिए, 4 5 6 वाला सर DIY है। हाँ बाबू ये सब सारा का सारा DIY, 4 6 7 8 9 10 DIY है, सर मैंने तो सर अभी वो मैं बना बना लिया, लिया सर, सर मैंने तो बना लिया सर, आपका अब वीडियो ब्लर आ रहा है प्लीज। विक्रम म्यूट कर रहा है, चला जा रहा है, म्यूट करता तो म्यूट का नहीं करता, इशिता का भी अनम्यूट है सर, सर पर मेरे में से आवाज नहीं आ रही मेरा।
को आगे समझना है, जब भी बाबू मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कोई होल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, अब शांति से इसको सीखना बाबू सक्षम बाबू, ये मिक्स फ्रैक्शन है क्या? मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में जब भी होल नंबर अगर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे है ना, मल्टीप्लाई करो बाबू, तो इस तरह से मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो गलत हो जाएगा। किस तरह से सर? अगर बाबू आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा है ना, गलत हो जाएगा। ठीक, देखो कैसे, जैसे 3 × 2 होल 5/7 है, ये आपका होल नंबर हो गया, ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो अगर 3 2 को मल्टीप्लाई पहले कर देते हो, 3 2 जा 6, अब 5 होल बाई 7, 6 7 जा 42, आप ये कितना 47/2 हो जाएगा। तो ये आपका गलत है, ये आपका क्या बाबू? गलत है, गलत है ना, गलत है। अरे शैतान, 3 2 होल 5/6, अगर इसको ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हो है ना, इस तरह से रिजल्ट लिखते हो, तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा है ना, गलत हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करना तो शांति समझना, पहले जो बाबू आपका मिक्स फ्रैक्शन है उसको क्या करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 7 2 जा 14/5, 19, 19/7, और उसके बाद इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 57/7 है ना। तो ये आपका क्या है? सही है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ऊपर समझाते हैं ना, नहीं समझ में आया ऊपर समझाते हैं ना। तो यही कंसेप्ट है, देखो जिसको नहीं समझ में आया ऊपर समझाते। सेकेंड नंबर, शांति समझना, जैसे क्या बाबू 4 × 2 होल 2/3 है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, अगर किसी का मन कर रहा है सर अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दे तो कैसे सर, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 हो गया, फिर 2/3 लिख दिया। अब ये क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। इसको सिंपल फ्रैक्शन काटते हैं, 24 2 25/3, तो ये आपका क्या है? गलत है। इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो तरीका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, इस तरह के क्वेश्चन को हमको कैसे टैकल करना, ये हो गया रॉन्ग मेथड, ये आपका हो गया रॉन्ग मेथड है ना, गलत तरीका। क्या हो गया? गलत तरीका हो गया है ना, गलत तरीका हो गया। ठीक, क्या हो गया? गलत तरीका हो गया है ना। नेक्स्ट, हेलो, इंटर इंटर तो बाहर बाहर डांस करे जाता है, लीव हो गया था हो गया। सर 32/3 आ गई नेक्स्ट, तो अगर इस तरह मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता है? गलत हो जाता है। ठीक, करेक्ट मेथड क्या करेंगे सर? करेक्ट मेथड क्या करेंगे है ना, देखो कैसे करना, कितना है सर, 4 × 2 होल 2/3 है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो मिक्स पहले इम्प्रोपर में कन्वर्ट कर। कैसे करेंगे बाबू? 8/3 फोर मल्टीप्लाई इसको करो, 3 2 6 2 8/3। अब इसको आप इसको इसको मल्टीप्लाई, यहाँ नहीं है कुछ तो 1 है, 4 के नीचे नहीं है कुछ है तो 1 है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 8 4 जा 32 बाई कितना हो गया? 3 हो गया। तो इस तरह से नहीं करना है ना, इस तरह से करोगे गलत हो जाएगा है ना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, लिखो बाबू समझाते हैं। दो तीन क्वेश्चन और समझाते हैं। हाँ एक्सक्यूज सर, लेकिन आपने तो कहा था कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। कोचे, बहुत सारे मेथड है बाबू, सर आपने कहा था ना एक क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सारे मेथड वो तो उसमें बहुत सारे मेथड वो है ना, तो कुछ कुछ मेथड क्या, अभी इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर गलत हो जाएगा। आपको नानी घर जाने का बहुत सारा रास्ता है, लेकिन कुछ ना रास्ता वो क्या बहुत टेढ़ा मेढ़ा है ना, कहीं ना बीच में नादी ना, ये आपको नादा ना, ये नली ना, नली उली भी मिल जाता है ना बाबू है ना। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जब भी बाबू नंबर रहेगा, मिक्स फ्रैक्शन रहेगा, तो पहले मिक्स, ये है आपको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल ब्रेक कर देना। जैसे थर्ड नंबर लिखो, 10 मल्टीप्लाई जैसे क्या बाबू 5/7 है, तो कुछ बच्चा से आप लोग पूछोगे तो कैसे कर देगा, ऐसे कर देगा, यहाँ से 3 क्या करेगा, पहले 10 3 जा मल्टीप्लाई कर देगा, क्या कर देगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देगा है ना। क्या करेगा बाबू, 10 मल्टीप्लाई 3 होल 5/7,
तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, जैसे मल्टीप्लाई कर दिया 10 3 30 होल 5 बाई 7, तो ये इसी गलत हो गया, क्या हो गया, ये गलत आपका हो गया, 210 215/7, ये आपका गलत हो गया। ठीक, कैसे करेंगे सही, क्या करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, करेक्ट क्या करेंगे, थ्री होल 10 होल 3 होल 5/7। ठीक, पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, 10 को छोड़, 7 21 5 26 7/7। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, तो 10 2 जा 260/26, इसका एक्चुअल आंसर ये आएगा ना कि ये आएगा। एक हफ्ते वीडियो ऑन करो जी, सर अच्छा जी नंबर का रॉन्ग मेथड भी लिखना है, अगर हाँ, सब लिखना, सब लिखना, आप इसमें डीआईवाई देंगे तो उसमें भी रॉन्ग और करेक्ट मेथड करके लिखना पड़ेगा करेक्ट करके ही लिखना है ना, हम लोग का सर। नाम। सर हाँ आपकी जी, आवाज बीच बीच में ब्रेक हो जाती है। हाँ बाबू ब्रेक हो जाता है जी, किसका बोला मैं बाबू, नो सर, यस सर हो रही है यस समझाते समय, सर, नो सर, सर मेरे में तो अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। लिखे लिखे लाइक किसी का माइक अनम्यूट होता है तो होता है। 15 क्रॉस करेक्ट मेथड, करेक्ट सही है। मेथड लिखे। हाँ लिखो ना जी, ये आपका क्या था, कॉन्सेप्ट था किससे रिगार्डिंग, मिक्स फ्रैक्शन और सर आपने रॉन्ग मेथड को भी सर रॉन्ग कर दिया सर, वहां पे 8 2/3 को सर 26/3 होगा सर। साइड। सर नंबर 2 में सर ये 26 हो जाएगा। वैसे भी रॉन्ग ही था समझ में सर। आता है काम, चलो आगे, एक बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू, अगला कौन सा कॉम्प्लेक्स फैक्टर, वीडियो ब्लॉग आ रहा बाबू क्या है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इसको हम लोग समझते हैं। सर, आपकी वॉइस थोड़ी सी कट कट के आ रही। यस सर, मैं तो कर रही थी। चलो ठीक है, आपने कट कर बताने के, चलो यस सर, आपने कट कट रही है सर, अभी बहुत अच्छा चल ठीक है। अगला एक सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, ये जिंदगी के साथ भी जिंदगी के ना बाद भी यूज होगा, इसको समझना है। सर। कैमरा नीचे कीजिए ना। फ्रैक्शन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन पढ़ेंगे है ना, इसको सीखते हैं, ये बहुत यूज होता है बाबू, हमेशा जब तक जीवित रहोगे जब तक यूज होगा। सर इसको समझो, अब शांति से अभी करना है ना, समझना, खाली डिफाइन करेंगे बाद में, सर पहले समझा देते हैं। सर सर सुर मत कीजिए, समझिए चुपचाप। देखो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन अगला कौन सा टाइप है, फिफ्थ नंबर है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है सक्षम बाबू, नाम सुना है सक्षम कि नहीं सुना बाबू,
कक्षाम सर। नाम सुना है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का बाबू? कह नो सर। रहे नाम सुना है सक्षम? नो सर। नहीं सुना? चलो ठीक है। देखो बाबू वही सब फ्रैक्शन बाबू जिसका न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन हो डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन हो, शांति से समझो, लिखना नहीं है जी, बाद में लिखिएगा। वैसा फ्रैक्शन बाबू जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन हो, जैसे शांति समझो, जैसे ये 3/2 है सर, क्या एक फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। अगर हम ऐसा फ्रैक्शन लिख दे सर, इसको हमेशा जिंदगी में यूज होगा, इसको शांति समझना। जैसे 3/2 हो गया, ठीक, ये एक फ्रैक्शन हो गया, एक बड़ा लाइन दे देते हैं, एक हम लोग क्या कर देते हैं 5/ कितना 4/ मान लो 7 कर देते हो, है ना। तो यहाँ दो गो फ्रैक्शन है ना, ये एक बड़ा लाइन है, तो ये हो गया आपका ऊपर वाला, ये क्या हो गया न्यूमरेटर, इसको क्या कहेंगे न्यूमरेटर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे न्यूमरेटर कहेंगे, ठीक। अभी तक जो भी हमने फ्रैक्शन पढ़ा है सर, फ्रैक्शन में दो ये नंबर मिल रहा था ना जी, एक ऊपर वाला इंटीजर नंबर मिल रहा था, एक नीचे नंबर मिल रहा था। अभी बाबू क्या ये खुद न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन रहेगा, और नीचे क्या ये 5/4/7 है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर एक क्या है खुद फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है ना। तो जिस फ्रैक्शन में बाबू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, न्यूमरेटर फ्रैक्शन रहेगा चाहे डिनोमिनेटर रहे चाहे दोनों फ्रैक्शन होगा, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे शांति समझना। क्या कर रहा है बाबू विक्रम, उठते हैं इसको, नए पूरा पीछे वाला फेयर और नहीं याद रहा ना, तो ढूंढ लेंगे। जिस फ्रैक्शन में बाबू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का दोनों अगर फ्रैक्शन होगा, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ ये न्यूमरेटर है सर, ये डिनोट है, ये दोनों का दोनों क्या फ्रैक्शन है, दोनों का दोनों क्या है ना, न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन डिनो, लिखना नहीं है अभी, ऊपर डिफाइन करेंगे। जैसे बाबू क्या बाबू 10/ बाबू मान लो ए, क्या बाबू 9 है, और एक बड़ा लाइन रहेगा, न्यूमरेटर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के जो बीच वाला लाइन होगा वो क्या होगा लेंथ में ज्यादा होगा, नहीं तो मोटा होगा, या तो ठीक होगा, यहाँ वाला यहाँ कितना लाइन है 1, 2, 3 लाइन है ना जी, तो बीच वाला जो लाइन होगा या तो मोटा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा लेंथ में क्या रहेगा नंबर बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला से क्या रहेगा बड़ा रहेगा, उसका सिग्निफिकेंस है बताते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन सर, और डिनोमिनेटर भी बाबू क्या है एक फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर है, ये क्या हो गया न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिवीजन लाइन है, ये आपका क्या है डिवीजन लाइन है, ये आपका डिवीजन लाइन हो गया है ना, ये न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन हो गया, और ये नीचे वाला क्या हो गया डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन हो गया है ना, तो ये न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन हो गया डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन हो गया, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग सर ये आप करवाए हैं सर, 3 × 11 कर देंगे, 33, 9 × 10 कर देंगे। ठीक। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट बाबू खाली न्यूमरेटर फ्रैक्शन रहे तो जैसे 3/7 है, तो खाली न्यूमरेटर नीचे में ऐसे भी हो सकता है डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर हो गया, तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, मतलब बाबू आपको क्या रहेगा या तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन रहे चाहे डिनोमिनेटर रहे चाहे दोनों रहे, है ना, ठीक। ये न्यूमरेटर हो गया 3, यहाँ क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया, है ना, ठीक। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। और एग्जांपल सर और समझाते हैं शांति से समझना, जैसे 4th नंबर, जैसे ऊपर 7 है और डिवाइड है, और 3/ मान लो बाबू कितना है, या 13/ बाबू कुछ मिक्स भी ले फ्रैक्शन, सकते हो, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। हाँ ये 7 हो गया, 8/13 हो गया है ना, तो ये आपका क्या है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। यहाँ देखो ये न्यूमरेटर हो गया, बड़ा वाला लाइन रहेगा उसको डिवीजन लाइन कहेंगे, है ना, डिवीजन यहाँ बड़ा ये है ना बाबू, तो न्यूमरेटर क्या हो गया आपको, देखो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसको कहोगे, या तो न्यूमरेटर एगो फ्रैक्शन होगा चाहे डिनोमिनेटर एगो फ्रैक्शन होगा चाहे दोनों फ्रैक्शन होगा, है ना, दोनों फ्रैक्शन। तो यहाँ न्यूमरेटर सिंपल एक नंबर है, ये क्या हो गया न्यूमरेटर हो गया है ना, ठीक, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, और ये आपका क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया, ये आपका क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया ना, डिनोमिनेटर। तो ये सारा का सारा क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, सारा का सारा क्या मिक्स फ्रैक्शन है ना, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है। तो अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल फ्रैक्शन था ना, एक ही वो न्यूमरेटर में भी एक ही नंबर था डिनोमिनेटर में भी एक ही नंबर था, पीछे क्या करा वो वालों कूट देंगे पकड़ के, ठीक। अभी आपको जो भी फ्रैक्शन मिलेगा कैसे मिलेगा वो न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन, या वो सिर्फ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हो सकता है
या सिर्फ बाबू क्या हो सकता है, न्यूमरेटर फ्रैक्शन हो सकता है, सिर्फ न्यूमरेटर फ्रैक्शन हो सकता है, चाहे डिनोमिनेटर हो सकता है, चाहे दोनों फ्रैक्शन हो सकता है ना। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहेंगे। ये हमेशा यूज होता है, बहुत यूज होता है, इसको ध्यान सर देना है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू डिफाइन एक्सक्यूज मी करो, सर, देखो। हाँ बोलिए। सर तो फिर 3/3, सर क्वेश्चन नंबर 1 में सर 3/2 को भी फ्रैक्शन कहेंगे, और तो इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे थ्री बाई करेंगे? टू होल 4/7, 3/2 होल 4/7 पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके या सर, 3/2 डिवाइडेड बाई 4/7 ऐसे भी कह सकते हो, 3/2 डिवाइडेड बाई 4/7। ये डिवीजन लाइन, ये क्या है डिवीजन लाइन। सर तो हाँ, इसमें तो 3-3 डिवीजन लाइन हो गई। तीन तीन डिवीजन लाइन हो गई। तो ये मेन वाला हो गया, ये आपका मेन वाला डिवीजन लाइन हो गया, ये 3/2 डिवीजन 4/7। अब फ्रैक्शन बाबू हुज, नीचे फ्रैक्शन बाबू हुज न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, हुज न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या बोथ, जिसका न्यूमरेटर हो गए, चाहे डिनोमिनेटर हो गए, चाहे दोनों हो गए, बोथ आर फ्रैक्शन। इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है और फ्रैक्शन। यार नहीं। तो ये आपको समझना है। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, कैसे सिंपलीफाई करेंगे जो। सर आपने पिछले चैप्टर में बताया था उल्टा करके इनटू कर दिया। हाँ, फ्रैक्शन का सुंदर से नोट्स बनाना है आप लोगों को। नोट्स सुंदर से बना रहेगा, स्कूल में लेके जाइए, बच्चे सबको दिखाइए, मैम सबको दिखाइए, बोलिए हम खुद पढ़े हैं, आपको भी है पढ़ना है तो हमसे पढ़ाई कीजिए। हाँ और सर बाबू, बोले बोलेंगे कॉन्सेप्ट क्लासेस से पढ़े हैं, अगर आपको भी पढ़ना है तो आप आ सकते हैं अच्छे हाँ से आप आ पढ़ेंगे। सकते हैं। लेकिन सर हम किसी एक्सरसाइज हाँ बाबू, करनी है, इसके बाद व्हाट बाबू, सर डेफिनेशन के बाद एक्सरसाइज करनी है। हाँ डिफिनेशन के बाद एक्सेस ने एग्जाम्पल्स है, ई एक्स फॉर एग्जाम्पल हो गया, डिफिनेशन के बाद एग्जाम्पल लिखे, दिस इज द बाबू एग्जाम्पल्स, दिस इज द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स मीन्स बाबू उदाहरण। संकल्प नहीं है, आशुतोष समझ में आता है जी। चलो यस अच्छी बात, सर, आपने डेफिनेशन में सर एक गलती नहीं की सर। क्या बोले बाबू। सर आपने लिखा है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन सर 4 नंबर में तो न्यूमरेटर सर वो फ्रैक्शन नहीं है। अरे मेरे शैतान, बीच में और नहीं जुटल है जी, अद करता है जी, न्यूमरेटर होना चाहिए फ्रैक्शन, या बीच में और नहीं लिखल है जी, या तो हाँ डिनोमिनेटर सर, रहेगा उसके चाहे पास क्या रहेगा, कॉमन दोनों रहेगा। सेंस और का मतलब तो एंड सर, लिखो, समझाते हैं। फोर्थ वाला ग्लू से लिख गए। अच्छा लिख लो ना, जिसमें लिखना है लिखो। सर मैं लिख रही हूँ डेफिनेशन। सर मैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मार्क नहीं कर रहा। मार्क कीजिए शैतान, ज्यादा तो आलसी मत लिख कीजिए, जैसे बोर्ड पे लिखा रहता सब लाइन लिखना, जब रिवीजन करोगे बाबू तो आपको समझने में आसान होगा। सर मैं फिर लिख रहा हूँ NE सर, N और D। अच्छा बोर्ड पे जैसे लिखा रहता बाबू, हमको नहीं शौक है जी सिर्फ शॉर्टकट में लिखें। लिख दीजिए, मना किसने की। सर आवाज नहीं आ रही है। कांटे से लिखिए, सर कांटे
सर जाए जाए कहाँ जी, जाए सर जाए। तारा मिनट में टाइम हो जाएगा। विक्रम बाबू रिवीजन कर लीजिएगा। अर्णव कहाँ गया जी? अर्णव नहीं है जी, अर्णव नहीं है जी, सर उसको दावा खाना जरूरी होगा। अर्णव सर कहाँ बाबू? अर्णव हाँ है जी, सर हाँ सर बाबू है बाबू, चलाएंगे क्या? हाँ बाबू अभी पेरेंट्स से बात करेंगे आपके पेरेंट्स से जो है ना। नेक्स्ट बाबू तारा, बाबू तो मैं खत्म। विक, तारा विक्रम सर्कल रिवीजन प्लस फेयर कंप्लीट करना। नंबर अरे थ्री और फोर मत बताइएगा। मैं सर कर रहा हूँ सर, थ्री थ्री नंबर और फोर नंबर। सर जल्दी करो जल्दी करो। रुके सब ना आता जी, आप खाली हमारा समय था जो सब्जेक्ट पढ़ता सब ना बाबू, पैसा रुके सबका रुके लगता नहीं। सर साइंस का भी सर नंबर फोर मत बताइएगा। ट्विंकल जल्दी ट्विंकल राहुल वंडर वटी यू आर लिखे जल्दी लिखे, हल्ला मत कीजिए, लिखे जल्दी से। इंग्लिश का भी फेयर कंप्लीट करके रखिए। देखो बाबू आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इसको बिल्कुल सिंपलीफाई कैसे करेंगे सर, इसको सिंपलीफाई कैसे बिल्कुल करेंगे है ना। सर हेडिंग लिखे हाउ टू सिंपलीफाई कॉम्प्लेक्स हाँ बाबू फ्रैक्शन सिंपलीफाई बाबू का नेक्स्ट मेथड बाबू, मेथड हाउ टू लिखा ऑफ आगे लिखो सिंपलीफाई। बाबू, हाउ टू सिंपलीफाई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, हाउ टू सिंपलीफाई कॉम्प्लेक्स सर ये क्वेश्चन है सर फ्रैक्शन। जैसे ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे? एग्जाम्पल कितना नंबर होगा जी, नंबरिंग देना गड़बड़ हो गया, कहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे? फोर सर क्वेश्चन नंबर काम हो करो ट्विंकल ट्विंकल, ट्विंकल टेन फोर नंबर। नंबर फोर नंबर ट्विंकल ट्विंकल स्टार और वंडर वटी सर। लेकिन सर यू आर, इम्प्रॉपर फोर में जो नंबर हमने फोर सर नंबर। ये सब तो सॉरी पार्ट्स लॉस्ट थे, क्वेश्चन नंबर, नंबर 9 के पार्ट्स थे ये सब। प्रोफेसर 10 नंबर ट्विंकल होगा, ट्विंकल वंडर यू आर अच्छा 10, 10 है लिखो, 10 है 11 लिखो, कोई होगा सर। चलो ट्विंकल ट्विंकल उसको ट्विंकल कूटते हैं। तारा दो चिंता विक्रम बहुत डिस्टर्ब नहीं कर रहा करो, है। दो गुड छड़ी हो इवनिंग गया उसका, दो बार होगा ना उसका, दो छड़ी हो गया। पढ़ो जाए सर पढ़ना इसको कहाँ पहले, है क्या देखो कैसे करना है जी, शांति से समझना है। ये आपका सर? क्या है क्वेश्चन नंबर कॉम्प्लेक्स, इतना आपने करवा दिया था सर लास्ट टाइम। ट्विंकल बताओ चलो। ट्विंकल सर क्वेश्चन नंबर 11 होगा। अच्छा 11 से स्टार्ट करो, थ्री वाह यस सर मैंने एक क्वेश्चन नहीं लिखा। बाई फोर अब 5/2 है ना, इसको आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कैसा आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना, आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे सिंपलीफाई करोगे देखो, कुछ मत करना। क्या लिखें बाबू? 3/4 है, ये वाला मोटा बड़ा लाइन रहेगा, तो बड़ा लाइन रहेगा तो उसको डिवीजन में कन्वर्ट कर देना। या बाबू इसका सिंपल सा तरीका, ये जो बड़ा लाइन इसके बदले क्या लिखो? डिवीजन लिखो ठीक, और नीचे जो नंबर है वो लिख दो, 5/2 लिख दो, बस हो गया खत्म। ये 3/4 हो गया, ये बड़ा मोटा वाला लाइन डिवीजन लाइन होता था, डिवीजन दे दिया, और नीचे वाला नंबर 5/2 है, 5/2 हो गया सर है ना। अभी इतना नेक्स्ट अब कुछ नहीं करना, 3/2 हो गया, बताए थे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में तो ये वाला नंबर क्या होगा, उलट जाएगा, 2/2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे इधर वाला नंबर क्या होगा, उलट जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6 है ना, या इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, 2 से 4 टू टाइम में मर गया, तो ऊपर 3 हो गया, नीचे कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करते हैं ना। 3/10 आंसर होगा इसका, कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा है ना। सर जब भी रहेगा आपको, इसमें और भी है, इसमें और भी बहुत सारा टाइप है, हम लोग सारा धीरे धीरे सीखेंगे है ये तो ना। एलकेजी का बच्चा भी बना ले यस होमवर्क बना के कितना दिन से नहीं भेज रही हो तन्नू, एलकेजी का बच्चा भी आपको उठा बैठी करवाते हैं सेटा, बहुत सारा बच्चा, भेजा था सर करवाइए करवाइए बहुत सारा बच्चा को होमवर्क नहीं आ रहा बाबू, हम एक आध दिन सर पढ़ाएंगे नहीं, मैंने सारे अभी का भेज होमवर्क फिर दिया से था। करेंगे। अरे तो मैंने मैंने भी भेज दिया था सर भी मैंने भी भेज भेज दिया था। दिया सर
अच्छी बात है। मुझे बताएंगे क्या कल मैंने आपको भेजा था कि नहीं? सर इतने दिन से नहीं नहीं भेजी थी भेजा जी, मैंने, नहीं भेजा। अच्छा बट सर परसों मैं कल भेज दी थी सर, फिर वो ठीक, मैसेज भेजा तनु मुझसे, तनु आपका होमवर्क आता जी, अभी सर, आपको नाइन एक दिन अपॉन होगा आपको नाइन पढ़ा, है, 9/4 9/4 मैसेज है। भेजा कैसे था भेज रही है सर, झूठ बोल रही है। कंसंद्र हो? पहले सर वो सब डीआर क्या भाई बोलने है। आ रहे, हाँ ये डी आई भाई है। तो मैं तो इसी में सॉल्व कर दिया। क्लास खत्म। कल आप लोग का बाबू छुट्टी रहेगा, थोड़ा दो चार को के कूटना है बाबू। पटना सर आएंगे अच्छा मतलब कोशिश सब सबको कूट लेंगे। करते हैं बाबू देखते हैं, आप लोग के पेरेंट्स से बात कर लो। बाय।